नमस्कार दोस्तों, गुजराती में कहावत है कि लोग जले तो समझो तरक्की हो रही है। आज की बात करूं तो दुनिया में सबसे चर्चित व्यक्ति कोई हो तो वो है नरेंद्र मोदी। और एक सीधा साधा नियम है कि आपकी प्रशंसा के अनुपात में आपकी निंदा भी की जाएगी। तो आज अमेरिका की टाइम मैगजीन विवादों में है, कारण कि मैगजीन के कवर पर छपी है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और कैप्शन में लिखा गया है इंडियास डिवाइडर इन चीफ। और ये लेख लिखा है एक पाकिस्तानी मूल के लेखक आतिश तासीर ने। अब मैं इन महाशय का परिचय दे दूं तो आतिश तासीर जो है, इनकी माता एक भारतीय पत्रकार जिनका नाम है तवलीन सिंह, और इनके पिता एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और उद्योगपति थे जिनका नाम था सलमान तासीर। हालांकि अभी तवलीन सिंह मुंबई में उद्योगपति अजीत गुलाबचंद के साथ रह रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि तवलीन सिंह के पास लुटियंस दिल्ली में ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट भी है। तो आपको इस ये जो लेख लिखा गया इसकी जड़ों तक आप शायद पहुंच गए होंगे। तो आतिश, ये जो आतिश है, ये हमेशा कहता था कि मेरे पिता, यानी आतिश के पिता, हमेशा भारत को धिक्कारते थे। यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसे पिता की संतान है जिसके दिलो दिमाग में भारत के लिए जहर था। यानी कुल मिलाकर ये जो लेख है, ये आनुवंशिकता में मिली जहर नफरत की उपज है। और मैं तो कहूंगा कि आतिश तासीर, तुम लेखक हो, कोई बात नहीं, लिखो, लिखने का तुम्हें अधिकार है। अगर तुमने अपने देश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में लिखा होता ज्यादा बेहतर होता, जो अपने गधे और भैंस को बेचकर अपना पेट भर रहा है। खैर, मैं इस टाइटल से सहमत हूं। यस, मोदी ने देश का विभाजन किया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गए, तो दूसरी तरफ अभिनंदन जैसे कई लाखों वीर हैं, देशभक्त हैं, करोड़ों देशभक्त हैं जो मर मिटने को तैयार हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ईमानदारी से जीएसटी भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जीएसटी का रोना रो रहे हैं। हालांकि जीएसटी कोई व्यापारी नहीं भरता, कोई व्यापारी अपनी जेब से जीएसटी नहीं भरता, जीएसटी ग्राहक भरता है, फिर ये रोना कैसा। तो मोदी से नफरत होना स्वाभाविक है। मोदी ने उन एनजीओ को तकलीफ होगी जो वर्षों तक जिन्होंने देश को लूटा, मोदी ने आते ही इन एनजीओ पर ताले लटका दिए। मोदी से उन दरबारी पत्रकारों को भी तकलीफ होगी जिनको फाइव स्टार होटल में ठहरा जाता था, महंगी शराब परोसी जाती थी, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे। अब मोदी आया, मोदी ने उनके पेट और पिछवाड़े दोनों पर लात मार दी, तो इन पत्रकारों को तकलीफ होगी। अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े गैंग, सबको तकलीफ है। और ये पूरी तरह से, पूरी ताकत से कीचड़ फेंक रहे हैं, पर ये भूल गए कि जितना कीचड़ फेंकोगे कमल उतना खिलेगा। तो खैर, अब मैं इस टाइटल पे आ रहा हूं, इस मुद्दे पे आ रहा हूं। इससे पहले 2012 में भी मोदी की तस्वीर छपी थी टाइम्स में, उस समय कैप्शन था मोदी मींस बिजनेस। और 2015 में भी, मई में भी इसी एक टाइम्स के एडिशन में मोदी की तस्वीर छपी थी, उस पर लिखा था व्हाई मोदी मैटर्स। अब ये दोनों लेख जो थे किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखे थे, वो पाकिस्तानी नहीं था, उसके दिमाग में जहर नहीं था, तो उसने प्रशंसा लिखी, सत्य लिखा। अब इस लेख के बारे में बताऊं तो इस लेख में लिखा गया है कि मोदी ने भारत पाक तनाव को खूब कैस किया है। क्यों नहीं, जब आप पुलवामा अटैक पर आप प्राइम मिनिस्टर की निंदा करते हो तो सर्जिकल स्ट्राइक पर क्रेडिट जरूर लेंगे। और जब दो बार पाकिस्तान में घुसकर मारा है तो पाकिस्तानी लेखक का यह लिखना उसके दिल के दर्द को दर्शाता है। भाई, आप घर में घुस के मारोगे तो वो आपकी निंदा करेगा। लेख में प्रधानमंत्री के सेक्युलरिज्म पर भी सवाल उठाया गया है। तो इस देश में सेक्युलरिज्म एक गाली बन गई है। सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया कि हिंदुओं को गाली देना और एक विशिष्ट वर्ग की गलतियों को अनदेखा करना। कश्मीर में 3 लाख पंडितों को बेघर कर दिया जाता है, हजारों हत्याएं की जाती है, रेप किया जाता है, उन्हें लूट किया जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, बिकॉज वी आर सेक्युलर। मगर उत्तर प्रदेश में अखलाक अहमद को मारने पर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती, ये एक व्यक्ति का मुद्दा यूनो में उछाला जाता है। क्या वे 3 लाख लोग भारतीय नहीं थे, वे मनुष्य नहीं थे, उनका मानव अधिकार नहीं था? तो आज समस्या ये हो गई है, सबको तकलीफ ये है कि आज का नागरिक पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा है। वो भली भांति अपना और अपने देश की भलाई जानता है। आज आप नागरिक को मूर्ख नहीं बना सकते। आज
बांटा तो पहले गया था, पहले हमको जाति के धर्म के नाम पर पहले बांटा गया, आज सीधी रेखा बना दी गई है देशद्रोही और देश प्रेमियों के बीच में। यस, मोदी जी डिवाइडर इन चीफ। और दूसरी बात, इस लेख में मोदी को आर्थिक सुधारवादी भी कहा गया है, और ये तो सब दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है सबको कि मोदी के बाद जो बिजनेस में जो तरक्की आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, तो उसके कारण भारत देश काफी आगे आया है। और जब बदलाव होता है तो तकलीफ तो होगी, थोड़ी बहुत तकलीफें होगी, जैसे नोटबंदी का मुद्दा है, नोटबंदी का मुद्दा है, स्वाभाविक इसमें थोड़ी तकलीफें हुई, पर आप जब आप कुछ नया करते हो तो थोड़ी बहुत तकलीफ होना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रधानमंत्री ने कुछ तो किया, चाहते तो ये भी 5 वर्ष मौज मस्ती करके अपने घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया। तो दोस्तों, दुख तकलीफें होगी, देश बदल रहा है, हमको इन तकलीफ के लिए तैयार रहना है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जय हिंद, जय भारत।